आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर शुरुआत कर रहे हैं, सीएसओ, सीएसओ शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर सॉरी, सीएसओ नहीं, एससीओ है ये, एससीओ, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ। एससीओ की जब भी हम बात करेंगे, यहाँ पर याद रखिएगा, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में यह देखा जाता है। फाउंडेड इन शंघाई ऑन 15 जून 2001। बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में एससीओ के बारे में, क्योंकि एससीओ ही एक ऐसा कह सकते हैं कि पोलर पॉइंट आएगा हमारे पूरे के पूरे इंटरनेशनल रिलेशन में, जो आने वाले समय में बहुत सारी चीजों को तय करेगा। सबसे पहला चीज, आज जो बदलता परिदृश्य है उसको हमको देखना पड़ेगा कि बदलता परिदृश्य, कल क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। कल यूनाइटेड नेशन में डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के विरुद्ध प्रतिबंध लगाने की मांग की है, और जबकि चाइना ने इसी सम्मेलन में अमेरिका के ऊपर इस प्रकार से यूनाइटेड नेशन के मंच के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। तो यहां पर याद रखिएगा, अब जो अमेरिका की इच्छा है वो क्या है ये समझ लीजिए। अब यूएसए चाह रहा है कि वह पूरी तरह से ब्लॉक कर दे, प्रतिबंध लगा दिया जाए चाइना के ऊपर, क्योंकि चाइना को यहाँ पर अब जिम्मेदार ठहराने की बात की जा रही है कि आप कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार इनको ठहराया जाए और विश्व की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे, ऐसा भी कुछ देशों का मानना है। जैसे जर्मनी ने कई अरब डॉलर का मुआवजे की मांग की है चाइनीज सरकार से, उसी प्रकार से अमेरिका की भी कई कंपनियों ने इस प्रकार के मुआवजे की डिमांड की है, और यूएस के कोर्ट में यह मामला चला गया है। तो अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ऐसे हैं जो आज बिल्कुल ही कह सकते हैं क्रुद्ध हैं, गुस्से में हैं इस पूरे के पूरे कोरोना वायरस के प्रचार प्रसार से। अब यहाँ पर अंतिम में यही स्थिति होगी कि पूरा का पूरा, आज से मुझे लगता है 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना के बाद ये स्थिति होगी, जैसे जैसे कोरोना वायरस कंट्रोल में आएगा वैसे वैसे यहाँ पर एक स्थिति आपको मिल के दिखने लगेगी कि विश्व के जितने सारे देश हैं वो सारे के सारे खड़े होंगे चाइना के विरुद्ध। अब यहाँ पर चाइना की कोशिश है कि इसमें कम से कम कुछ देशों को अपने साथ खींचा जाए। यहाँ पर कौन कौन से देश महत्वपूर्ण हो सकते हैं ये देखिए, एक साइड में ईरान महत्वपूर्ण हो सकता है, दूसरे साइड में नॉर्थ कोरिया महत्वपूर्ण हो सकता है, तीसरे साइड में अगर हम देखेंगे तो ईरान नॉर्थ कोरिया के अलावा तुर्की एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये बदलता हुआ समीकरण है, हालांकि ऐसी संभावना अभी व्यक्त नहीं की जा रही है कि ऐसा होगा ही, क्योंकि जैसे ही रसिया और चाइना इंडिया तीनों के बीच में वार्ता होने लगी, और यहाँ पर याद रखिएगा अचानक से भारतीय जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने ईरान का दौरा किया, उसके बाद तुरंत विदेश मंत्री का दौरा हुआ, ये लास्ट वीक की सारी घटनाएं हैं। तो लास्ट वीक में काफी पॉलिटिकल डेवलपमेंट रहा, काफी तेज विदेशी कह सकते हैं विदेश नीति तेजी से घूमी, भारतीय रक्षा मंत्री विदेश मंत्री सबने ईरान का दौरा किया। ये एक प्रकार से बदलते हुए पिक्चर की ओर भी इशारा कर रहा है कि ईरान को किसी भी प्रकार से तोड़कर किनारे कर दिया जाए, ताकि चाइना, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान तो ऑलरेडी उसकी कोई औकात नहीं है, उसलिए हम लोग काउंट करके उसको देश के रूप में चलते ही नहीं है, कि पाकिस्तान देश है ये काउंट करके चलना कोई जरूरी नहीं है। तो पाकिस्तान चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, भले एटॉमिक स्टेट बनने का वो दावा करे या कुछ भी करे, लेकिन इकोनॉमिकली अगर बात करेंगे या फिर सामरिक रूप से बात करेंगे तो उनकी कोई खास बिसात है नहीं, तो उसको माइनस करके चलो। लेकिन जो जो विश्व परिदृश्य में दो तीन शक्तियां जुटने की उम्मीद कर रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकेंड वर्ल्ड वार हो, हमेशा तीन देश जुटे हैं, और सारे के सारे अमेरिकी या ब्रिटिश समर्थक जितने भी हैं इन सब ने मिलकर उसे धावा बोला है। तो यहाँ पर भी एक चाइना है, दूसरे साथ में नॉर्थ कोरिया है, और यहाँ पर अब इसी शैतानी ध्रुव में एक और देश घुस सकता है, वो है ईरान। तो ये तीन देश अभी वर्तमान में है। अब तीन देश के साथ, अब ईरान के साथ यहाँ पर क्या हो सकता है इसके साथ आपका, अब यहाँ पर याद रखिएगा, ईरान को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने सऊदी अरबिया को खड़ा करके रखा हुआ है,
ईरान और सऊदी अरबिया की स्थिति बहुत गंभीर है, याद रखिएगा। पहले ईरान और इराक के बीच में जंग के हालात थे, अभी ईरान और सऊदी अरबिया के बीच की स्थिति तनातनी वाली है। तो यहाँ पर अगर ईरान आगे आता भी है तो ये सऊदी अरबिया से उलझकर रह जाएगा, इसकी पूरी की पूरी संभावना है। नॉर्थ कोरिया की जहां तक बात है, नॉर्थ कोरिया और चाइना ये दोनों के दोनों डायरेक्ट निशाने पर हैं अमेरिका के। और रसिया की अगर बात करेंगे तो रूस सीधा सा, अगर आप मान के चलिए, यह किसी भी बड़ी युद्ध में तब तक नहीं कूदेगा जब तक इसके ऊपर हमला ना किया जाए। यह हमला करने वाला देश नहीं है अभी तक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये चुपचाप बैठा रहा, इसने कुछ भी नहीं किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ये चुपचाप बैठा रहा जब तक जर्मन फौजों ने सोवियत रूस के ऊपर चढ़ाई नहीं की। उसके बाद अगर आप देखेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से भी यह खामोश ही पड़ा हुआ, लेकिन खामोश हमेशा रहेगा ऐसी कोई जरूरी नहीं है। ये वहीं पर लड़ाई करता है जहां पर शत्रु काफी ज्यादा कमजोर हो, जैसे चेचेन विद्रोह है, चेचेनिया का जो विद्रोही ग्रुप है उनके ऊपर जबरदस्त बमबारी करता हुआ दिखेगा, या सीरिया में आपको जबरदस्त बमबारी करता हुआ दिखेगा। सीरिया की स्थिति बड़ी मुझे मजेदार लगती है कि भाई आखिर होता क्या है। अमेरिका धमकी देता है चाइना, सॉरी रूस को, और बम्बार्डिंग करता है सीरिया के ऊपर। रूस धमकी देता है अमेरिका को, फिर से वो सीरिया के ऊपर एक हिस्से पर बम्बार्ड करता है। मतलब एक दोनों दूसरे को धमकी देते हैं और बम्बार्ड करते हैं सीरिया के ऊपर। तो सीरिया का मामला भी लगभग लगभग सेटल डाउन हो चुका है, उसमें भी बहुत कुछ है नहीं आपका। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो पूरा का पूरा स्थिति हम लोग समझ रहे हैं कि इसमें रसिया आगे आने वाले देशों में से नहीं है। कारण यहाँ पर सीधा सा समझिए, रसिया के साथ सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इंडिया और रसिया के दोनों के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। तो इंडिया और रसिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, चाहे इंडिया की कोई भी सरकार हो, हमेशा रसिया के साथ संबंध अच्छे ही होते हैं, बुरे कभी नहीं होते हैं। तो दूसरे साइड में यहाँ पर देखेंगे, रसिया कभी भी चाइना के साथ जाने की, भले यहाँ पर शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बातचीत हो रही है, तो कभी ये बैठा गया था और सोचा गया था कि चाइना रसिया ये सारे के सारे देश मिलकर एक नई ध्रुव का निर्माण करेंगे। क्योंकि यहाँ पर सीधा सा है कि आफ्टर 1990 विश्व पूरा का पूरा एक ध्रुवीय हो चुका है, यूनिपोलर है वो, एकमात्र पोल है वो है अमेरिका। पहले था आपका बाईपोलर, दो पोल थे, एक रसिया दूसरा अमेरिका, लेकिन अब वो सिंगल पोल वाला वर्ल्ड हो चुका है। एकमात्र बड़ी शक्ति यूएसए है, और यूएसए के साथ एक नाटो का गठबंधन है जिसमें कई देश हैं। एक समय इसमें 30 से ज्यादा एक्टिव देश हुआ करते थे, क्योंकि अब सोवियत रूस है नहीं, तो इसकी वजह से नाटो का भी कोई महत्व बचा नहीं है। लेकिन 1990 में जब इराक के ऊपर हमला करना था तो यही नाटो देशों ने मिलकर हमला किया था। लेकिन याद रखिएगा, वो पुरानी बात है, इनका यूनिटी तो अभी भी है। अब अमेरिका जहां भी जाएगा तो इसके साथ एकदम मान के चलिए यूएसए के पीछे पीछे आपका यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया, ये तीन देश तो होंगे ही होंगे। तो यूएसए जहां जाएगा, यूके और ऑस्ट्रेलिया, ये दो देश उसके साथ जाएंगे, क्योंकि दोनों के तीनों के तीनों एक ही मूल से ओरिजिन है। तीनों का ओरिजिन अगर देखा जाए तो एक ही पॉइंट पर है। यूएसए के भी जो सबसे ज्यादा नेटिव लोग हैं वो यूके से है, यूनाइटेड किंगडम से है। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया अगर बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के भी जो नेटिव लोग हैं वह भी यूनाइटेड किंगडम से हैं। तो ये तीनों देश आपका एक साथ ही होंगे हर हालत में, ये मान के चलिए। अब इसी कड़ी में और अगर हम लोग देखते हैं कि और स्थितियां यहाँ पर किस प्रकार की हो सकती हैं, तो आने वाले समय में अमेरिका निश्चित तौर पर यह मांग कर रहा है कि पूरे के पूरे चाइनीज जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बैन किया जाए और उसे कोरोना वायरस के लिए दोषी डिक्लेयर किया जाए। अगर कोरोना वायरस के लिए उसे दोषी डिक्लेयर किया जाता है, यहाँ पर कैसे कैसे हालात बनेंगे। ये लोग एक जांच की मांग हालांकि कर चुके हैं, और जांच की मांग जो थी वह आपकी स्वीकार भी हो चुकी है कि जांच की जाएगी कि कैसे कोरोना वायरस फैला। तो यहां पर याद रखिएगा, कोरोना वायरस कैसे फैला इसकी जांच के लिए चाइना में जाकर जांच करना पॉसिबल नहीं है। हालांकि यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये जांच कंडक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में चाइना का लगभग लगभग कब्जा है। तो
तो यहां पर याद रखिएगा चाइना WHO को कितना काम करने देगा, गॉड नोज, नहीं पता है, और कितना करेगा ये भी नहीं पता। तो यहां पर अभी क्योंकि यहां पर जांच के नाम पर कुछ कुछ एक्टिविटीज हो रही है, हो सकता है कुछ इसकी रिपोर्ट में निकल कर भी सामने आए, लेकिन डायरेक्टली चाइना को ब्लेम करेगा इसकी संभावना कम है, जैसा कि अमेरिका चाहता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है। चलिए शुरुआत करते हैं इसको। 15 जून 2000 से यह फॉर्म्ड हुआ है। यहां पर याद रखिएगा 6 कंट्री इसके मूल कंट्रीज थे। इसमें सबसे पहला था पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे आजकल हम लोग यहाँ पर शॉर्ट में PRC, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये आपका बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ आता है। अब मेड इन चाइना नहीं लिखता है, अब वो मेड इन PRC लिखा हुआ होता है, तो पब्लिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो आप लोग देखेंगे मेड इन चाइना वाला प्रोडक्ट अब इस रूप में आ रहा है, अब डायरेक्टली चाइना नहीं लिखता है, क्योंकि डायरेक्टली चाइना लिखता है तो लोग पकड़ लेते हैं, तो अब सीधा सा तरीका निकाला है को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना लिख दे। कजाकिस्तान, कजाक रिपब्लिक, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, तो ये 6 देश थे जिन्होंने शुरुआत में संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। क्योंकि इसके जो मूल भावना है वो संघाई से आरंभ हुई थी, इसके कारण इसे हम लोगों ने संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया। अब यहाँ पर देखिए यह किस प्रकार से है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ SCO आर टू स्ट्रेंथन रिलेशन अमॉन्ग द मेंबर स्टेट, सदस्य राष्ट्रों के बीच में शक्ति का या कह सकते हैं संबंधों का विस्तार करना, मजबूती प्रदान करना। प्रमोट कॉपरेशन इन पॉलिटिकल अफेयर्स, याद रखिएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स, राजनीतिक मामलों में सहयोग को बढ़ाना, साथ में इकोनॉमी और ट्रेड में भी कॉपरेशन को बढ़ाना। साइंटिफिक एंड टेक्निकल, कल्चरल एंड एजुकेशनल स्फीयर एज वेल एज इन एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ETC, इन सब के ऊपर भी ये काम करता है। बेसिकली ये सारे की सारी बातें हवा हवाई है। मूलतः यह अमेरिका के खिलाफ खड़ा किया गया एक गठबंधन था, जिसे एशिया की 2 शक्तियां रूस तथा चाइना ने मिलकर खड़ा किया था। इसका ऑब्जेक्टिव था कि नाटो देशों के तर्ज पर ही सही एक नया संगठन हम लोग फॉर्म करें, क्योंकि सोवियत यूनियन तो टूट चुका है। तो अब सोवियत यूनियन टूट चुका है तो लाइक माइंडेड जितने भी एक समान विचारधारा वाले देश हैं, उन सबको लाके खड़ा किया जाए अमेरिका के विरुद्ध। तो यह अमेरिका के विरुद्ध बढ़ने वाला एक गठबंधन था, और इसी गठबंधन के चलते अमेरिका भारत के नजदीक आया, क्योंकि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा चाइना है या चाइनीज ट्रेड है। तो यहाँ पर अब चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने इंडिया की ओर हाथ बढ़ाना शुरू किया, और जब से NDA की गवर्नमेंट आई है तो NDA के गवर्नमेंट के समय में ये संबंध काफी अच्छे होते हैं, क्योंकि NDA की गवर्नमेंट एक्चुअली आपका गुटनिरपेक्ष देशों के संगठन के मूल भावना के ऊपर चलती है। अगर बात करेंगे इससे पूर्ववर्ती सरकारों की, NDA गवर्नमेंट से पूर्ववर्ती जितनी भी सरकारें थी उनके केवल रूस के साथ बड़े अच्छे मधुर संबंध रहे हैं बनिस्पत अमेरिका या अदर यूरोपियन वर्ल्ड के। तो यहां पर याद रखिएगा अमेरिका से हमेशा एक दूरी बना के रखने की कोशिश की गई है, और NDA गवर्नमेंट आने के बाद से ये दूरियां काफी खत्म कर दी गई है। और हालांकि इस पूरा का पूरा मूल स्ट्रेटर्जी के सूत्रधार अगर आपको जानना चाहिए तो बतलाता हूं, इस मूल स्ट्रेटर्जी के सूत्रधार PV नरसिम्हा राव थे। PV नरसिम्हा राव एक ऐसे राजनीतिज्ञ जिन्होंने इस पूरे के पूरे इस कॉन्सेप्ट को समझा, और अमेरिका के महत्व को उन्होंने समझने का काम किया कि कैसे अमेरिका पूरे के पूरे वर्ल्ड के सिचुएशन में यूनिपोलर एक नेशन है, और यह आपका सिंगल पोल है पूरे वर्ल्ड में, और इसके इम्पोर्टेंस को समझा सबसे पहले पीवी नरसिम्हा राव ने। और पीवी नरसिम्हा राव के पीरियड में अमेरिका से डायरेक्टली संबंध न बढ़ा के इजराइल के साथ संबंधों की स्थापना की गई। यहां पर आज 23 सितंबर है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये 23 सितंबर। आज भारतीय सैनिकों ने इजराइल में हाइफा की लड़ाई जीती थी। यहां पर आप दिल्ली में जाएंगे तो वहां पर त्रिमूर्ति चौराहा है, त्रिमूर्ति चौराहा
इन्हीं इसी युद्ध की याद में है। तो यहां पर याद रखिएगा 23 सितंबर को यह आपका एक प्रकार से हाइफा की मुक्ति, इज़राइल के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। हाइफा को मुक्त कराया गया था। हाइफा वहां का एक महत्वपूर्ण शहर था और इसे मुक्त कराने का काम किया गया था भारतीय सैनिकों के द्वारा, वह भी तलवार के दम पर मशीन गनों का सामना करते हुए। तो भारतीय सैनिकों की वीर गाथा यहाँ पर अदृश्य रही है और उसी की याद में आपका तीन मूर्ति चौराहा दिल्ली में बनाया गया है। लेकिन कोई नाम, हम लोगों ने तीन मूर्ति सबने सुन रखा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि भारतीयों की किस वीरता की वजह से इस चौराहे का नाम पड़ा है, क्योंकि ये सारे चीजें हमारे इतिहास में कहीं ना कहीं दबा दी गई थी। क्योंकि गलती से भारतीयों का मनोबल ऊंचा ना हो जाए तो भारतीयों के मनोबल को तोड़ने के लिए ये सारी बातें धीरे धीरे छिपा कर रखी गई थी कि भाई बताना नहीं है इसे हमें। तो अब के टाइम में ये सारी चीजें आपके सामने निकल कर आ रही है और इस डे को इसराइल में ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, इंडिया में उसका कहीं कोई बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं होता है। हम लोगों ने किसी देश के साथ अगर अच्छा काम किया है उसकी आजादी में, तो निश्चित तौर पर हम लोगों को इस चीज को बताना चाहिए अपनी पीढ़ी को कि भाई हम लोग सिर्फ भारत की स्वतंत्रता हम लोगों ने नहीं ये किया, बल्कि हम लोग इसराइल की स्वतंत्रता में भी सहभागी रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे कुछ लोग मैक्सिको की स्वतंत्रता में भी सहभागी रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ महात्मा गांधी के बारे में बताया जाता है कि वो दक्षिण अफ्रीका में गए, उन्होंने आंदोलन मूवमेंट चलाया, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा महात्मा गांधी के अलावा भी और भी लोग हैं जिन्होंने अलग-अलग जगह देश, अलग-अलग विभिन्न देशों की स्वतंत्रता के संग्राम में योगदान दिया है। हमारे भारतीयों का योगदान मैक्सिको की स्वतंत्रता में भी है। तो यहाँ पर याद रखिएगा इन सारे चीजों को आपको पूरा का पूरा एक ब्रॉड सिनेरियो में समझना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास का वन साइडेड लेखन हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ यही हम लोग अभी तक पढ़ते आए कि महात्मा गांधी ने ही केवल आपका योगदान दिया था साउथ अफ्रीका की आजादी में, ऐसा नहीं है। चलिए यहाँ पर अब देखिए ये सारे का सारा, अब यहाँ पर याद रखिएगा, अब 1991 में सबसे पहले जो इस प्रकार की शुरुआत की गई थी वो शुरुआत की गई थी पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा। और पीवी नरसिम्हा राव इसमें काफी दूरदर्शी व्यक्ति थे, उन्होंने सबसे पहले इसराइल के साथ संबंधों को ठीक किया। यहाँ पर याद रखिएगा इसराइल एक ऐसा देश है जो हमारा पूरे विश्व में हम कह सकते हैं कि एकमात्र निष्पक्ष या कह सकते हैं निस्वार्थ भाव से हमारे साथ मित्रता रखता है, उसे कोई